भारत जोड़ो यात्रा बिहार में होगा, हर धर्म के दौरा करते करते बोधगया में अंत किया जाए, इसलिए संभावना कम है राहुल जी आने का। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बड़े यात्रा कर रहे हैं और देखिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में अब बिहार की बारी है, लेकिन बिहार में नहीं आने वाले हैं राहुल गांधी। इसको लेकर जानकारी जो है वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कल इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि दिग्विजय सिंह की बात हो रही है, दिग्विजय सिंह बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर तमाम प्लान किया जाएगा, तैयारी की जाएगी, हालांकि इसका जो समापन है वो बोधगया में किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं भक्त चरण दास, पहले आप सुने। कल भारत जोड़ो यात्रा बिहार के संदर्भ में, प्लीज, भारत जोड़ो यात्रा बिहार में होगा और वो भी लगभग 50 दिन का होगा लगातार, उस संदर्भ में बातचीत होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं भारत जोड़ो यात्रा का, बिहार का जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अवधेश सिंह जी हैं। कल श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख नेतृत्व ले रहे हैं और श्री जयराम रमेश जी दोनों आ रहे हैं और उस यात्रा के संदर्भ में कोऑर्डिनेट करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर्स, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, हमारे जितने एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और जितने सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोगों की उपस्थिति में कल भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार में होगा वो समंदर मंथन की तरह आज मानवता के लिए धर्म की मंथन किया जाएगी और लगभग 20 जिले में यात्रा को पहुंचने की बात किया गया है, लेकिन यात्रा हर जिले से निकलेगी और एक प्रमुख धारा में बातचीत हुई है, अभी तक कल फाइनल होगा। ये सोचा गया है कि मंदार से निकलकर, समंदर मंथन से निकलकर हर धर्म तीर्थ स्थली जो है बिहार में, हर धर्म के दौरा करते करते बोधगया में अंत किया जाएगा। राहुल गांधी रहेंगे इस यात्रा में? यात्रा राहुल जी का जो है भारत जोड़ो यात्रा एक लाइन दक्षिण से पूरा उत्तर तक का निर्धारित है, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उस यात्रा के साथ इस यात्रा को जोड़ने के लिए हर राज्यों में यात्रा किया जा रहा है। जहाँ जहाँ वो नहीं जा पा रहे हैं उन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है और उस यात्रा का लक्ष्य को हासिल करने के लिए और उस यात्रा के जोड़ने के लिए, पूरे भारत को जोड़ने के लिए सभी प्रकार के जाति धर्म वर्ण के साथ जो काम किया जा रहा है, जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, उसको सफल करने के लिए हर राज्य में हो रहा है। यहाँ नेतृत्व कौन करेगा यात्रा का? यहाँ नेतृत्व सभी लोग करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, कोऑर्डिनेटर करेंगे, हम खुद भी करेंगे और जितने सीनियर लीडर्स हैं, अखिलेश सिंह जी MP हैं वो भी करेंगे, हमारे मंत्री लोग भी करेंगे, सबको चलना पड़ेगा। बोध गया, बोध गया में जो यात्रा का अंत होगा तो वहाँ राहुल जी रहेंगे? राहुल जी उस यात्रा में रहेंगे नहीं रहेंगे वो बातचीत किया जाएगा, अगर एक दो दिन ब्रेक होता है तो उनको लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उस समय वो कहाँ पे होंगे। अगर वो दिल्ली से पार हो गए होंगे तो संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक वो पहुँच रहे होंगे तब हम लोग भी पहुँच रहे होंगे, इसलिए संभावना कम है राहुल जी आने का। आपकी यात्रा का डेट संभावित क्या है? संभावित कल तय किया जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा यात्रा का डेट कब से शुरू होगा और कब अंत होगा। तो आपने सुना किस तरीके से एक साफ कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बिहार में भी होगा, करीब 50 दिन का ये भारत जोड़ो यात्रा होने वाला है और साथ ही साथ ये बात अहम है कि राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं होंगे। हालांकि उनका साफ कहना है कि अगर दिल्ली के अगल बगल राहुल गांधी हुए तो ज़रूर बिहार एक दिन के लिए भी आएंगे, लेकिन राहुल गांधी का अब तक भारत जोड़ो यात्रा में बिहार में कोई भी ऐसा दिन निर्धारित नहीं हुआ है जब राहुल गांधी बिहार आएंगे। हालांकि जो कांग्रेस है उसके तमाम नेता मौजूद रहेंगे, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं कांग्रेस के वो रहेंगे, राज्यसभा सांसद जो हैं वो रहेंगे, तमाम नेता रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर अभी भी संशय बरकरार है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।